So hello to all my viewers. So this video is very very important for all the West Bengal board students. As all of you know कि पिछले जो महीने हैं, पिछले जो हफ्ता है, उस हफ्ते में CBSE ICSE जो दो बोर्ड्स है, वो दो बोर्ड्स ऑल इंडिया जो बोर्ड्स है, वो बोर्ड्स जो है अपना एग्जाम ऑलरेडी कैंसिल कर चुकी है 10th एंड 12th के लिए. बट वेस्ट बंगाल बोर्ड अभी तक ये चीज घोषणा नहीं किया है. वो लोग अभी भी चाहते हैं कि हाँ हम एग्जाम लेंगे, हम ऑफलाइन मोड पे स्टिल एग्जाम लेंगे. बट आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइम. ये जो सिचुएशन चल रहा है, जिस सिचुएशन वेस्ट बंगाल में चल रहा है, हर दिन 10,000 से ज्यादा केसेस आ रही है कोविड के, तो स्टूडेंट के लाइफ को लेके भी बहुत चिंतित है उनके माता पिता और जो पेरेंट्स है. तो इस टाइम पे एग्जाम अगर हुआ, एग्जाम तो भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज बिकॉज अगर हम लोग स्टूडेंट्स का एग्जाम लेंगे तो आई थिंक स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ही होगा. तो दिस इज नॉट द वीडियो फॉर टू गिव अ सजेशन. आई जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू थिंक ओवर दैट मैटर. आई थिंक पोस्टपोन करना चाहिए एग्जाम को थोड़ा पीछे. आप थोड़ा वेस्ट बंगाल का कंडीशन को सही होने दो, थोड़ा एग्जाम पीछे ले जा सकते हो. एग्जाम कैंसिल नहीं भी करना चाहते तो ठीक है, बट एग्जाम को थोड़ा पीछे ले जाओ, बिकॉज इस टाइम पे आई थिंक स्टूडेंट्स को जो पैनिक सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन पे एग्जाम देना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए. तो इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. आई थिंक जो वीडियो देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को शेयर करो एज मच एज यू कैन पॉसिबल. मैं ये वीडियो को क्रिएटिव कॉमर्स ऑन कर दूंगा, मीन्स ये वीडियो यूट्यूब से लेके कोई भी किसी भी प्लेस पे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है. ये जो मेरा वीडियो है इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा. डियर स्टूडेंट्स प्लीज अपने भलाई के लिए फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक जितना दूर पहुंचा सके पहुंचा दो. बिकॉज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आकाश टीम एजुकेशन फैमिली की तरफ से सबको कि प्लीज वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है डिसीजन जल्दी ले और स्टूडेंट्स को बता दे कि हाँ वो कैंसिल करेंगे या पोस्टपोन करेंगे कि क्या करेंगे, सिचुएशन को क्लियर करे. ऐसे बीच में अटके रखने से क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी पे. और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ले चुके हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन को माथे पे रख के कोई डिसीजन होना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू टू ऑल.